आज का वीडियो उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और इंटरव्यू देने के लिए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ जा रहे हैं। तो आज आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सके। मेरा नाम नसीम चांडियो और मैंने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया एज अ लेक्चरर इंग्लिश फॉर द पोस्ट ऑफ BPS 17। तो आपने इस पूरे इंटरव्यू को कैसे डिफेंड करना है, पहली और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू कंसिडर दैट इज़ योर इंट्रोडक्शन। अगर आपका इंट्रोडक्शन इफेक्टिव नहीं है, अगर आपके इंट्रोडक्शन के अंदर मैच्योर लैंग्वेज और मैच्योर थाट्स नहीं है तो आपका इंट्रोडक्शन आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। अब ये खतरनाक किस तरह साबित हो सकता है और इसको मैच्योर किस तरह बनाना है, तो आइए अब कुछ बातें करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन के हवाले से। नंबर वन, आपका लुक यानी पर्सनालिटी इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए ताकि अगले बंदे को इतना फील हो कि आप इस जॉब के लिए डिजर्विंग है। आपने फुल सूट पहन के जाना है ताकि आप अगले पे अपना इम्प्रेशन दे सकें। उसके बाद जो आपकी डिलीवरेंस है, आपका जो प्रेजेंटेशन है इंट्रोडक्शन का, वो इस तरह होना चाहिए। आपने सबसे पहले अपना नाम बताना है। नाम बताने के फौरन बाद आपने अपने डिस्ट्रिक्ट यानी जिस एरिया से ताल्लुक रखते हैं उसका आपने जिक्र करना है। उसके फौरन बाद आपने अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड, जो आपने अर्ली एजुकेशन बैकग्राउंड है, उसके बारे में बताना है। जैसे ही आपने अर्ली एजुकेशन बैकग्राउंड बता दिया, उसके बाद आपने फौरन यूनिवर्सिटी यानी ग्रेजुएशन जो आपने की है उसका जिक्र करना है। यूनिवर्सिटी के अंदर आपने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, वो भी आपने ज़रूर मेंशन करना है। जैसे ग्रेजुएशन हुई तो ग्रेजुएशन के बाद आपने अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस या जहाँ जहाँ आपने काम किया है उसके हवाले से आपने बताना है, लेकिन वो कंसाइज फॉर्म के होना है, कंसाइज फॉर्म के अंदर होना चाहिए। इतना लेंथी और वर्बोसिटी आपके इंटरव्यू के इंट्रोडक्शन के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो मैंने जो इंट्रोडक्शन करवाया, मैंने इस तरह करवाया था, माई नेम इज़ नसीम खान, आई कम फ्राम डिस्ट्रिक्ट कंबर शहजाद कोट एंड आई गॉट माई अर्ली एजुकेशन फ्राम माई नेटिव सिटी। आई डिड माई इंटरमीडिएट फ्राम द बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लारकाना। आफ्टर इंटरमीडिएट आई अप्लाइड फॉर द बैचलर्स प्रोग्राम इन यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध एंड सॉट एडमिशन विद इंग्लिश लिटरेचर। ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी टाइम आई रिमेन हाईली एक्टिव इन ऑल debate and declamation contest which were organized by our institute during university time. After graduation, while keeping in view the financial circumstances of my family, I launched my private institute where I have been teaching for the last 3 years. It was my simple and very concise introduction that I presented in front of interviewers. तो आपने इस तरह सिंपल सा बताना है, बड़ा चढ़ा के बात नहीं करनी है कि वी आर फोर ब्रदर्स, आई एम थर्ड वन, ये लूज टॉक कंसीडर किया जाता है। उसके बाद आपने ये भी नहीं बताना है कि मेरा वालिद साहब ये है और ये पहले ये किया करता था, अब ये है। आपने सिंपल कहना है, आई कम फ्रॉम माय हम्बल फैमिली बैकग्राउंड या आई बिलोंग टू पुअर फैमिली बैकग्राउंड। तो आपने इस तरह बताना है, आपने इतना बड़ा चढ़ा के बात को नहीं पेश करना है क्योंकि वो अगला बंदा इरिटेट हो जाता है आपकी बात से। उसके बाद आपका जो डेमो है वो तो समझ लें वो तय होता है, आपको डेमो से ज़रूर जो है सवालात किए जाते हैं। अगर आपका डेमो इफेक्टिव नहीं है तो आपको ये भी चीज़ गले पड़ जा सकती है, यानी कि